आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली जा रही किसान संकल्प यात्रा खटीमा पहुंची। किसान संकल्प यात्रा के खटीमा पहुंचने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आपके पंजाब से सांसद भगवंत मान का किया स्वागत। खटीमा में जनसभा को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने उत्तराखंड में भी दिल्ली मॉडल लागू करने के लिए जनता से आपके लिए समर्थन मांगा। वहीं जनता से सच्चे दिनों के लिए आपको वोट देने को कहा। तो मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं द टॉक। पूरी खबर के लिए बने रहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता को तीसरे विकल्प के रूप में अपने आप को पेश कर रही आम आदमी पार्टी की किसान संकल्प यात्रा आज उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में पहुंची। किसान संकल्प यात्रा के खटीमा में पहुंचने पर आप पार्टी के पंजाब के सांसद भगवंत मान का आप पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। आप पार्टी द्वारा रामलीला ग्राउंड में आयोजित जनसभा आप पार्टी के नेताओं द्वारा BJP और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। भगवंत मान द्वारा युवाओं को आपकी सदस्यता दिलाई गई। वहीं मीडिया से वार्ता में भगवंत मान ने कहा कि BJP सत्ता के घमंड में किसानों की नहीं सुन रही है, जबकि किसानों की समस्याएं एक साल से ज्यादा हो गई है और कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत है। वहीं भगवंत मान ने कहा कि उधम सिंह नगर जनपद को मिनी पंजाब कहते हैं, इसीलिए उधम सिंह नगर जनपद में सुशांत संकल्प यात्रा को काफी समर्थन मिल रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप पार्टी आम जनता के सामने दिल्ली मॉडल के नाम पर वोट मांगेगी और उन्हें उम्मीद है कि जनता का आपको प्यार और समर्थन मिलेगा। तो पंजाब में भी, यहाँ भी और दिल्ली में भी, पार्लियामेंट में भी, जहाँ भी हमें मौका मिलेगा, हम किसानों के इन मांगों का समर्थन करेंगे और ये काले कानूनों का डटके विरोध करेंगे और उसी के लिए हम उत्तराखंड में आए हैं। इस इलाके को मिनी पंजाब बोलते हैं और जहाँ पंजाब हो वहाँ जोश ना हो, ये बोलना। ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूँ, पर हाँ मेहनत में हम कमी नहीं छोड़ेंगे और दिल्ली का मॉडल, हम सच्चा मॉडल दिल्ली का पेश करेंगे। अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन सच्चे दिन आ सकते हैं दिल्ली की तरह, जहाँ शिक्षा और मेडिकल और बिजली पानी में बहुत बड़े काम हुए हैं, जो दुनिया भर में जिनकी चर्चा है, वो मॉडल हम घर घर लेके जाएं।